निवेश बड़ी सातगढ़ी रेल लाइन का काम जल्द शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। नीमच बड़ी सादड़ी नई रेल लाइन की राह आसान हो गई है। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने 48 किलोमीटर नई रेल लाइन डालने को मंजूरी दी थी। लोकसभा चुनाव के पहले 27 फरवरी 2019 को नीमच व बड़ी सादड़ी स्टेशन पर इस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन समारोह हुआ था। इसके 3 साल बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के पत्र पर प्रतापगढ़ कलेक्टर ने SDM को जमीन अधिग्रहण के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया। बारिश बाद जमीन का अधिग्रहण शुरू हो जाएगा। अगले वर्ष विधानसभा चुनाव के पहले ट्रैक के लिए अर्थवर्क शुरू होगा। हालांकि काम पूरा होने में करीब 3 साल लगेंगे, लेकिन भाजपा विधानसभा व लोकसभा चुनाव में इस अपने मिशन को शामिल करेगी। नई रेल लाइन डलने के बाद नीमच को जंक्शन का दर्ज मिल जाएगा। यह प्रोजेक्ट अब उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल द्वारा पूरा करवाया जाएगा। वर्ष 2017 में तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल बजट में नीमच बड़ी सादड़ी 48 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन को मंजूरी के साथ 4,95,18,00,000 रुपए का वित्तीय स्वीकृति दी थी। लोकसभा चुनाव से पहले 27 फरवरी 2019 को रेल लाइन कार्य का केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के हाथों भूमि पूजन हुआ था। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल को सर्वे की जिम्मेदारी दी गई थी। सर्वे पूरा होने के बाद रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को भेजी गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार ने आम बजट में 2 बार राशि स्वीकृत की है। चित्तौड़गढ़ सांसद CP जोशी ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करवाने का प्रयास में लगे हुए हैं। 16 दिसंबर 2021 को रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता सूची में शामिल किया था। इसके बाद पिछले दिनों उत्तर पश्चिम रेलवे के उदयपुर डिवीजन तरफ से जारी पत्र पर प्रतापगढ़ कलेक्टर सौरभ स्वामी ने छोटे सादड़ी SDM विनोद मल्होत्रा को इस रेल लाइन की भूमि अधिग्रहण का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया। नई रेल लाइन का ट्रैक तैयार होने के बाद रेलवे को उदयपुर होकर अहमदाबाद के लिए शॉर्टकट रास्ता मिल जाएगा। इससे नीमच सीधे गुजरात से जुड़ जाएगा। बड़ी सादड़ी माउली जंक्शन ब्रॉड गेज लाइन तैयार हो गई, जिसका शुभारंभ भी इसी माह में हो जाएगा। माउली से उदयपुर अहमदाबाद तक ब्रॉड गेज लाइन पर ट्रेनें दौड़ रही है। नीमच बड़ी सादड़ी रेल लाइन को मंजूरी मिलने के बाद इसे पूरा करवाने के लिए रतलाम मंडल को जिम्मेदारी दी गई थी। अधिकारियों ने नीमच से बड़ी सादड़ी तक जमीनी स्तर पर सर्वे पूरा कर रिपोर्ट तैयार कर मंडल मुख्यालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भेज दी थी। इसके बाद बोर्ड द्वारा यह ट्रैक पूरा करवाने का काम उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल को सौंप दिया। इसका मुख्य कारण करीब 39 किलोमीटर एरिया NWR के अंडर में आ रहा है।